फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रही हैं बड़ी जल्दी बन जाती है और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो किसी दिन अगर आपका राइस खाने का मन करे लेकिन आप जीरा राइस नहीं खाना चाहते हैं, कुछ और हटके खाना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये काफ़ी फ्लेवर्ड और बहुत स्वादिष्ट होता है और जीरा राइस की तरह आपको बहुत मज़ा आएगा इसे खाने में। तो आइए बनाते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक राइस बनाने के लिए हमने करीबन एक कप चावल को धो के उसे आधे घंटे तक भिगो के रखा हुआ है और हमें चाहिए प्याज जिसको हमने लंबे से काटा हुआ है, एक बड़ा प्याज लिया है हमने, और चाहिए काली मिर्ची, अखी पूरी काली मिर्ची है वो 10 से 15 उसके कॉर्न्स हैं, ग्रीन गार्लिक 3 स्ट्रैंड्स हमने काटे हुए हैं, शक्कर 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, बेलीफ या तेज पत्ता 1 या 2, अगर पास छोटा है तो 2, और है हमारे पास दालचीनी और लौंग के 3 से 4 क्लोव्स। हम चावल बनाएंगे कढ़ाई में, उसके लिए हमने एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला हुआ है और उसे हीटर पे रखा हुआ है। जैसे ही हल्के से ऑयल गर्म हो जाता है उसमें काली मिर्ची डालनी है, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ तो भी चलता है, और डालेंगे हम दालचीनी और लौंग के 3 पीसेस। अब डालेंगे इसमें जीरा 1 टीस्पून और अब डालेंगे तेज पत्ता, आपके पास 2 है तो आप 2 भी डाल सकते हैं, और अब डालेंगे प्याज, एक बड़े प्याज को हमने लंबे से काटा हुआ है। इस प्याज को अब हम पकाएंगे। प्याज के हल्के से ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून शक्कर। अब इस मिक्सचर को हमने करना है हल्के से मिक्स और अब हमें प्याज और शुगर को अच्छी तरह पकाना है। इस मिक्सचर को हमने तब तक पकाना है जब तक कि शुगर कैरेमलाइज नहीं हो जाती है। इस राइस में टेस्ट कैरेमलाइज शुगर और गार्लिक के कॉम्बिनेशन की होती है। ये देखिए हमारा प्याज पक चुका है, हमारी शुगर कैरेमलाइज हो चुकी है, ये देखिए ऐसे ब्राउन दिखेगा। इसमें हम अब डालेंगे हमारे चावल जो हमने भिगो के रखे हुए हैं, हम एक्सेस वाटर ड्रेन करके इसमें चावल डाल देंगे और इसे हल्के से मिक्स करना है अभी, क्योंकि ज़्यादा अगर आप ज़ोर से मिक्स करेंगे तो चावल आपके बहुत टूट सकते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें हम अब डालेंगे पानी, अगर आपने एक कप चावल लिया है तो उसमें 2.5 कप पानी डालना चाहिए। ये हमने पानी डाल दिया है इसमें, अब इसे हल्के से मिक्स करके इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार डालिएगा, और अब डालेंगे हम इसमें ग्रीन गार्लिक या हरा लहसुन जो हमने काटा हुआ है। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप रेगुलर वाला सफ़ेद सूखा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, और अगर आप वो सूखा हुआ सफ़ेद लहसुन डाल रहे हैं तो आपको वो उसको प्याज के पहले डालना चाहिए क्योंकि उसे ज़्यादा कुक करना पड़ता है। बस इसमें हमारे सब राइस के इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं और हम इसे अब ढक्कन देके रख देंगे। इसे पकाएंगे करीबन 7 से 10 मिनट, पूरा पानी इसका एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और आपको पता चल जाएगा राइस बन गया। तो ये बन गए हमारे गार्लिक राइस। बस इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। गार्लिक राइस को हम सर्व कर रहे हैं मूंग की दाल के साथ और दही के साथ। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी गार्लिक राइस कैसी बनी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।